यूपी के चुनाव में प्रचार प्रसार करने जा रहे बिहार राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार कैमूर के मोहनिया में कुछ समय के लिए ठहरे हुए थे। इस दौरान से उन्होंने भाजपा के सांसद छेदी पासवान के सवालों को नकारते हुए कहा कि हम नहीं जानते हैं कि कौन किस पार्टी का है, लेकिन हमारे यहाँ जो भी लोग आते हैं हम सबकी सुनते हैं। उन्होंने कहा कि जब हमारे जैसा छोटा आदमी सबकी सुनता है तो नीतीश कुमार जी तो बड़े पद पर हैं, वो क्यों नहीं सुनेंगे। हम लोग सबका विकास, सबकी उन्नति और सबकी भलाई चाहते हैं। सांसद छेदी पासवान का एक बयान आया है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के राज में उनके विधायक, उनके कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही, उनका कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए 2.5 साल उनके मुख्यमंत्री होने चाहिए। अभी यहाँ पर तो हम नहीं जानते हैं कि कौन किस पार्टी के हैं, लेकिन हम सवेरे से बैठे हैं, जिस पार्टी के लोग आए हैं सबकी बात हम लोग सुने। तो जब हमारे जैसा छोटा आदमी किसी की बात सुन सकता है तो नीतीश कुमार इतने बड़े जगह पर बैठे हैं, किसी को नज़रअंदाज करके चल सकते हैं, सोच सकते हैं। ये सवाल ही नहीं है कि हम किसी को छोड़ के चलते हैं, हम लोग को सबको साथ लेके चलते हैं, सबकी तरक्की और सबका मिल्लत, सबका विकास में हम लोगों को भरोसा है, तो हम लोग किसी को छोड़ कैसे चल सकते हैं। तो जब कुछ साथ है तो फिर ऐसा बयान आने का क्या मतलब है सर? अब तो अपना अपना राय है, अब आप अपनी राय जाहिर करिएगा तो आपको कौन रोकेगा, आपकी निजी राय चलाने में कौन रोकेगा। आप स्वतंत्र हैं, भारत क्या कहते हैं इसको, लोकतंत्र है भारत में, बोलने की पूरी आज़ादी है, काम करने की पूरी आज़ादी है, जैसे मन है वैसे चलिए, जनता को जो अच्छा लगता है वो जनता समय पर उसका निराकरण करती है, उसका जवाब देती है। वहीं 2.5 साल पहले मुख्यमंत्री वाली बात पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है और ये उनकी राय होगी। दरअसल भाजपा के सांसद छेदी पासवान ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में हम लोगों को नहीं सुना जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमूर से अजीत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।